इस मशीन में प्रॉब्लम आ रही है कि पानी इस मशीन में लगातार निकलता रह रहा है और वाटर लीकेज यहाँ पर नहीं रुक पा रही है। और इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस भी बताने वाले कैसे इसे रोका जा सकता है और यहाँ पर आपको पूरी ड्रेन असेंबली की अगर सर्विस करनी है तो वो कैसे की जाती है, इस वीडियो में आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं घर का टैक XYZ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पर जो ड्रेन असेंबली है हमारी, इस तरीके से आपको दिखाई देगी। देखिए, मिट्टी इसके अंदर यानी गंदगी जो होती है, कीचड़, और जिसे हम जो है मैल वगैरह भी कहते हैं कपड़ों का, वो यहाँ पर अटक जाता है। तो इस तरीके से पूरी टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन है। यहाँ पर लगी हुई हमारी ड्रेन मोटर जो कि ब्लैक कलर की, आपने व्हाइट वाली भी देखी हुई काफ़ी मशीन में, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर ब्लैक कलर की देखने को मिल जाएगी। अगर आप रिपेयर भी करते हैं या आपके घरेलू मशीन है तो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे इसमें किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस जो है ड्रेन मोटर को हम यहाँ से हटा देंगे। इस मशीन में सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि पानी इसमें से रुक नहीं पा रहा था, ड्रेन लगातार हो रहा था, और जो है यहाँ पर वाटर लीकेज का इशू यानी जिसे कहा जाता है, किसी में ज़्यादा भी होता है, किसी में हल्का फुल्का सा होता है। इस मोटर को यहाँ पर जो ये निकल के आ रही है इसकी स्ट्रैप, इसे हम अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जब आप हटा दें इसे तो अंदर की तरफ कर दीजिए ताकि ये टूटे ना, इसलिए इसे हमने साइड में हटा दिया। करने के बाद ब्लैक कलर की ये ड्रेन मोटर है और वाइट भी आपने देखी होगी, तो देखने के बाद ऐसे चौके नहीं। इस तरीके से यहाँ पर ड्रेन असेंबली के भी बोल्ट जो लगे हुए हैं उन्हें आप जो है गोटी की सहायता से खोल सकते हैं, या आपके पास कोई अलग औजार है तो आप उससे भी इसे खोल सकते हैं। इस तरीके से खोलने के बाद जल्दी जल्दी से हम इसे खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि ड्रेन असेंबली में कितनी यहाँ पर कीचड़ होती है। दूसरे वाला पेज भी हम जल्दी से खोल लेते हैं। जैसे आप इसके बोल्ट को रिमूव कर देते हैं उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस यहाँ पर शुरू होता है। जबकि आपकी कंपनी से मशीन आई हुई है, फर्स्ट टाइम आप इसे ओपन कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी ब्रांड हो, तो इसे खोलने के बाद देखिए, जैसे हम हटा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर लगा हुआ है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है इसे पूरी तरीके से टाइट कर देता है, वाटर लीकेज नहीं आ देता है बाहर की साइड। अगर आप जो है इसे हटा देंगे, काफ़ी सेफली आपको हटाना है पेचकस की सहायता से, आप इसे जबरन खोलने की कोशिश करेंगे तो ये टूट भी सकता है, कहीं से वाटर लीकेज भी हो सकता है। इसलिए जो है आसानी से इसे बहुत आसान तरीके से आपको इस तरीके से नॉर्मली से छुटाना है, जैसे कि हम छुटा रहे हैं यहाँ पर। और इसे छुटाने के बाद फिर हम अपनी ड्रेन असेंबली को जो है बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो हम इसे साफ कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। जैसे ही हमारे सिलिकॉन हट गए, सिलिकॉन हटने के बाद हमने अपनी ड्रेन असेंबली को कुछ इस तरीके से हिलाने के बाद ऊपर की तरफ को खींच लिया है, जो कि मैं डस्ट आपको दिखा रहा था अंदर जो कीचड़ थी वो आपको अब दिखाई देगी कि यहाँ पर कितनी है, जिसकी वजह से जो है PVL हमारी ऊपर की साइड को थोड़ा सा उठ जाती है और उठने की वजह से लगातार पानी यहाँ पर ड्रेन होता रहता है, पानी अंदर रुक नहीं पाता है और वाटर लीकेज काफ़ी होता है, काफ़ी बार फर्श में भी पानी पानी चारों तरफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेन जो हमारी जो PVL है वो कितनी जो है यहाँ पर गंदी हो रखी है। आप देख सकते हैं कितना मैल यहाँ पर गंदगी जो होती है, कीचड़, वो इतनी सारी है कि अंदर की साइड भी दिखाई दे रही है और इस साइड तो आप देख सकते हैं पूरी PVL बहुत ही गंदी हो रही है। हालांकि इसे बाहर से खींचने के बाद भी करा जा सकता है, लेकिन अंदर की फंसी हुई जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं ये चीज़ को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमने इसे पूरा बाहर निकाल लिया और इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लीन कर लेंगे। अगर इतनी मेहनत आप कर रहे हैं इसे निकालने के बाद जो इसके अंदर की डस्ट है छुटाने के लिए, अगर आपने मशीन खोली है तो इसकी फुल वॉश भी आप कर लें, केमिकल वॉश भी कर सकते हैं और जो है बढ़िया तरीके से मशीन पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो अभी तक, हमने इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है, वो वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन पर भी आप 1-2 जगह पर देख सकते हैं क्लिक करने के बाद कि कैसे फुल सर्विस केमिकल वॉश की जाती है और कितनी हमने चमका के दिखाई है उसे पूरा देख सकते हैं। आप इसे साफ करने का तरीका हम कुछ इस तरीके से इसमें जो है पेचकस की सहायता से अंदर से कीचड़ पूरी निकाल लेंगे और जो है इसकी गंदगी को जो है बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर अब कर ली है। देख सकते हैं आप कैसी यहाँ पर हमारी रबड़ थी और इस टाइम ये कैसी हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर यहाँ पर हो चुकी है आप, और जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और से मशीन को खोल रहे हैं तो एक बार आपका फर्ज बनता है कि PVL को एक बार ढंग से देख लें, कहीं से मुड़ी हुई थी नहीं, कहीं से दबी हुई तो नहीं है या कहीं से कट तो नहीं गई है, क्योंकि वाटर लीकेज फिर भी कर सकती है। अगर आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि इसे चेंज करना चाहिए, तो आप एक बार में चेंज कर लीजिए, बार बार प्रॉब्लम आने से अच्छा है कि एक बार में ये चेंज हुआ है। पूरी तरह से क्लियर होने के बाद में हम इसे फिर वापस जैसे हमने निकाला था उस तरीके से यहाँ पर हम फंसा देंगे और यहाँ पर जो है कुछ जैसे कि हमने पूरे पेज वगैरह लगाए थे, पहले से निकाले थे, उन पेजों को हम दोबारा से यहाँ पर सही से लगा देंगे ताकि जो है वाटर लीकेज का इशू हमें देखने को ना मिले, रिपीट हमारी जो है कंप्लेंट बार बार ना आए। इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट कर लेंगे और जो बोल्ट हमने निकाले थे उन्हें सबको वापस इसमें लगा देंगे। इस तरीके से आपको ठोकना भी है ताकि अंदर सही तरीके से फिट हो जाए। हालांकि यहाँ पर आपको सिलिकॉन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसे थोड़ा अच्छे से आप फिट कर लें, कंपनी तरफ से जब आती है तो वो अच्छे तरीके से यहाँ पर पैकिंग की जाती है और सिलिकॉन लगाकर भेजी जाती है। हालांकि अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं सिलिकॉन, और अगर ना ही लगाना चाहें तब भी काम चल जाएगा, वाटर लीकेज नहीं होगी। अगर होती है तो आपको जरूर
यहाँ पर लगाना पड़ेगा। वैसे जो है हमारे सामने 100% केस जो है हम बिना सिलिकॉन के ही यहाँ पर निकाल देते हैं, सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्ट्रैप को आपको फिर से इस तरीके से यहाँ पर फंसाना है और इसे खींच कर पीछे मोटर को आपको जो फिर से फिट कर देना है जैसे कि हमने निकाली थी। तो निकालने का प्रोसेस भी आपको दिखाया है और लगाने का प्रोसेस भी हम पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। जब फिट हो जाएगी तो उसके बाद मशीन को हम जो है एक बार क्या दो तीन बार भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो है अगर आप एक बार में चेक करते हैं तो कुछ परेशानियाँ आपके सामने आएंगी, कुछ नहीं भी आएंगी। तो इसलिए दो तीन बार इसका वॉश करके ज़रूर देख लें, और अगर टाइम नहीं है तो इतना मौका आप कस्टमर को दें या फिर आप जो भी अपने घर की भी कर रहे हैं तो इतना मौका दें कि जो है मशीन सही से देख पाएँ कि सही चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि पानी से जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ख़राब भी हो सकती हैं, मोटर वगैरह भी काफ़ी बार डिफेक्ट हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।